आज का जो ब्लॉग है ये है प्रिंसिप घाट। या भैया भैया, हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है उस पर हम निकल पड़े हैं। कहाँ जाना है नहीं मालूम है फिलहाल, अभी टाला स्टेशन में है। 3:30 का ट्रेन है और ये ट्रेन आपका प्रिंसिप घाट, मिलेनियम पार्क होते हुए खीरपुर फैंसी तक जाता है। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, या तो प्रिंसिप घाट उतरेंगे या फिर मिलेनियम पार्क उतरेंगे। थोड़ा वहाँ पे फ़ोटो शूट भी करना है और इसीलिए निकले। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ जाए, तो भाई को रील्स भी बनाना था तो उसी चक्कर में हम लोग निकल पड़े। तो चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं कैसे जाया जाता है टाला से प्रिंसिप घाट। तो फिर वीडियो में बने रहिए, वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हम लोग पहुँचे मिलेनियम पार्क। अभी यहाँ नहीं उतरेंगे, यहाँ पे मन नहीं कर रहा उतरने का। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हम लोग पहुँच गए प्रिंसिप घाट, लेकिन अभी वो पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं गए जहाँ पे मतलब वो जिसे फेमस है, उस पार्क में अभी जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ से थोड़ा चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे हल्का फुल्का जो भी शूट करना है वो कर लेते हैं पहले। आइए आपको भाई लोग से मिलाते हैं। ये हमारे बिलाल भाई, आपको एक ब्लॉग में दिखाए थे, कौन सा ब्लॉग था भाई? था ब्लॉग विश्व बंगला, विश्व बंगला वाला, ठीक है। और ये भाई को तो आप जान गए, जो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। भाई जान गए। और ये भाई, ये भाई रोहित का फैन है बहुत बड़े। गलत बोले, इसलिए तो अभी बाल बढ़ा रहे रोहित। अच्छा, तो अभी हम लोग मौजूद हैं प्रिंसिप घाट के उस ब्रिज पे जहाँ पे जेटबी भाई अपना सॉन्ग शूट किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं। दिखा देंगे। हाँ भाई बोलो। नहीं बोली, आप बोली। तो यहाँ पे जो हम लोग फोटो शूट करेंगे वो आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कौन सा ब्रिज है। और यहाँ से ठीक देखिए पीछे, वो हावड़ा ब्रिज है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो स्टीमर है वो पकड़ कर हावड़ा जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे प्लेस थोड़ा अच्छा है, इसलिए एक स्लोमो लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए चलो, हम आगे चलो। ये देखिए, 4 टिकट लिए हैं, पर हेड आपका 12 रुपया है। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टीमर पे, देखिए पीछे है, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि पानी है, स्विमिंग भी नहीं आता है और आज से पहले ऐसा कभी मतलब गए भी नहीं है। और ये तो गंगा है, काफ़ी गहरा भी है और बड़ा भी है। तो फर्स्ट टाइम, चलिए देखते हैं अंदर पे कैसा है नहीं है। थोड़ा सा नर्वसनेस है, कोशिश करेंगे दूर करने का। अब मिलते हैं आपको स्टीमर पे। पूरा अंदर नहीं जाना, चलिए अब अंदर चलते हैं। काफ़ी मसला है, भीड़ भी काफ़ी है। कोई बात नहीं, चलो। आगे से आपको दिखाते हैं कैसा है नहीं है। देखिए अंदर आने के बाद कुछ ऐसा व्यू मिलता है हम लोग को। क्यों जान दे रहे हो भाई? अरे अरे गिर जाओगे। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक। ये हुगली ब्रिज और ये कलकत्ता का सबसे फेमस हावड़ा ब्रिज। ऐसा सोचे थे कि मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा घबराहट था, डर था, लेकिन बैठने के बाद ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बल्कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, एकदम गर्मी लग रही थी उसकी वजह से, अभी एकदम आराम है, रिलैक्स, पानी का मजा लो, शिप का मजा लो, नज़ारा का मजा लो। इससे पहले आपको 360 व्यू देखा है, आप देखिएगा उसमें एक साइड
दूसरे साइड हावड़ा ब्रिज भी है और ये ब्रिज तो आपको बता दिए हैं, अच्छा लग रहा है। कभी आप भी विजिट करें तो घबराइएगा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था तो आपको बता दिए कैसा लगता है नहीं लगता है, ज़रूर आके आप इसमें सफ़र कीजिएगा। 10 मिनट लगा है वहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग को, अब या तो ये वाला रिटर्न जाएगा या फिर कोई दूसरा होगा, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अगर ये जाएगा तो इसी में वापस चलेंगे। तो पूरा आधा घंटा लगा है वहाँ से रुके, वहाँ पे कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट रुके थे, फिर यहाँ पे आए, फिर वापस यहाँ पे आने में 10 मिनट लगे, यानी कि जाने में 10, रुकने में 10 और फिर आने में 10, टोटल 30 मिनट्स। हाँ आधा घंटा भाई, हिंदी भी आता है हमको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए अब उतरते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या होता है। ये हमारे कप्तान साहब का रूम है, इतना भीड़ है, काफी रश है यहाँ पे, सब घूर घूर ले रहा भाई। पब्लिक में ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन देख के मजा भी आता है। तो ये देखिए पहले, ये प्रिंसिप घाट जहाँ पे आज हम लोग आए हैं, और आज संडे है, संडे का पहले माहौल देख लीजिए कैसा है यहाँ पे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और फोटो शूट लोकेशन तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे कोलकाता का बहुत सॉन्ग भी शूट हुआ है, मिन्हाज खान का आप गाना सुने ही होंगे, वो गाना भी यहीं पे शूट हुआ था, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और आप अगर कोलकाता में रहते हैं तब तो आपको लोकेशन पता ही होगा, और अगर आप कोलकाता के बाहर रहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दूँगा, आप कोलकाता का भी आए तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मतलब ऐसे ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसे कैमरा उठा है ना तो सब मुझे ही देख रहा है, कोई नहीं देखने दीजिए, धीरे धीरे और हैबिट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, गुड बाय।